हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सचेंजी यूएसडी और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो पहले आज के लिए जो टारगेट्स दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिस्पांस रहा है। 23.13 से हम डिस्कस किया था, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो 23.09 हमें फर्स्ट टारगेट छोटा सा देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे मिला भी है। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी इसके नीचे, उसके बाद हमारा ये फर्स्ट टारगेट हिट किया। सेकंड टारगेट हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। हमारा सेकंड टारगेट 23.04 हिट होगा यहाँ पे, और इसी कैंडल ने हमें इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दे दी, जिससे हमारा थर्ड टारगेट एक्टिवेट हो गया और थर्ड टारगेट हमें यहाँ पर हिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सभी टारगेट्स मार्केट ने सिल्वर के हमें यहाँ पर हिट करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में क्या रिस्पॉन्स रहा है। एक्सचेंजी यूएसडी हमारे टारगेट हिट करके दिए हैं उसमें। अब सिल्वर भी स्विच करते हैं। सिल्वर में हमने मार्क किया था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा लेवल बना हुआ था। 15 मिनट्स के चार्ट पे हमने ये ऑब्जर्व किया था कि मार्केट यहाँ पर ना सस्टेन कर रही है, यहाँ पर अगर रुक रही है तो यहाँ पर अगर मार्केट अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है, हमने डिस्कस किया था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग जाएगी तो हमारी एंट्री बन जाएगी 71,570 तक के लिए। लेकिन मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट ने हमारा 71,169 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद हमारी फर्स्ट एंट्री जो है सेल साइड की वो एक्टिवेट होगी, 70,802 हिट हुआ। इसके बाद हमारी सेकंड एंट्री जो है सेकंड टारगेट है 70,501 हिट हुआ, और उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट जो है 70,199 का भी टारगेट हिट हुआ। तो हमारे सभी टारगेट्स जो है मार्केट ने बहुत सक्सेसफुली अचीव करके हमें दिए। सो अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है, उसके लिए हम डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने ड्रॉइंग्स को हाइड करते हैं और एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। तो डे के चार्ट पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है थोड़ा सा इस लेवल पर आकर रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, सपोर्ट फेस कर चुकी है। यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट फेस किया है और अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी सपोर्ट लाइन के पास पहुंची हुई है। तो देखिए डे के चार्ट पे एक सपोर्ट बना हुआ है। वन आवर के चार्ट पे हम चलते हैं अगर, तो यहाँ से देखिए एक डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है, नीचे की तरफ मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पे हम जाए, हिस्ट्री में चेक करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए मार्केट जिस पोजीशन पे इस टाइम पर है, यहाँ पर मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पर काफी देर तक मार्केट जो है कंसोलिडेटेड रही है। तो मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पर काफी स्ट्रॉन्गली आकर रुक रही है। जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये अभी के प्राइसेस हैं, 22.74 इस टाइम पर मार्केट चल रही है। यहाँ पर आके देखिए इसके अराउंड जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट फेस किया हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंचे हुए एक्सजी यूएसडी। अब हमने ड्रॉइंग्स को ऑन करते हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर मार्केट हमें ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो भी हम बाय साइड नहीं जा सकते, अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो भी हम सेल साइड नहीं जा सकते। उसका रीजन ये है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग ऑलरेडी हाई वॉल्यूम के साथ लेकिन वीक कैंडल के साथ दे चुकी है, तभी मार्केट ऊपर नहीं गई। डाउन साइड में मार्केट ने देखिए यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम बना लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दिया नेक्स्ट कैंडल पे, तो यानी कि डाउन साइड के मोमेंटम भी मार्केट ने कैंसिल आउट कर दिए। तो अभी हमें अगर प्लान करना है ट्रेड तो हम किस तरह से प्लान करेंगे, हमें यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स हमारे पास बन गया है, इसको एक्सपैंड करेंगे हम। अब ये हमारा एक डिसिसिव बॉक्स बन चुका है, डिसिसिव लेवल्स दे चुका है। अभी हमें बना हुआ पे स्विच करते हैं हम। अब अगर मार्केट में हमें बाइंग साइड जाना है तो हमें इस बॉक्स के बाहर ही एंट्री लेनी है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है अपसाइड पे तो हमें बाइंग साइड एंट्री मिलेगी 23.046 की, और अगर मार्केट इस बॉक्स के नीचे क्लोजिंग देती है अच्छी वॉल्यूम के साथ तो हमें 22.542 का ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड पे। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास और भी लेवल्स हैं, 23.09 का लेवल है, ये ब्रेक होते ही 23.09 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, और 23.09 के बाद 23.132 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, और 23.09 के ऊपर 23.13 हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे बाय साइड के लिए, और सेल साइड के लिए आपको एक ही टारगेट दिया है 22.542 का। रीजन उसका ये है क्योंकि डाउन साइड पे डे के चार्ट पे भी हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर में क्या मोमेंटम रह सकता है।
सिल्वर भी देखिए एक इम्पोर्टेंट लेवल पर काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है, क्लियर सपोर्ट बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके डाउन साइड पर रख लेते हैं क्योंकि यहाँ तक मार्केट आई है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तो हमें 70,501 फर्स्ट टारगेट, 70,802 सेकेंड और 71,151 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पर अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो उसके लिए हमें अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डाउन साइड के कोई लेवल्स नहीं है। तो डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे के चार्ट में हम ऐसे लेवल्स ढूंढते हैं जहां पर मार्केट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले चुकी हो। तो यहाँ पर एक ये लेवल नजर आ रहा है, यहाँ पर हम एक लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इस लेवल को हम मार्क करेंगे। इस लेवल पे देखिए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, इस एरिया में यहां से यहां तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। ये एक कैंडल ने क्लोजिंग दी थी लेकिन ये कैंडल आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, उसके मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया है, इसलिए ये हमारा एक लेवल रह सकता है डाउन साइड के लिए जिसको मार्केट ने आज टच भी किया है। अब हम वन आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। डाउन डे के चार्ट पे हमें और लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वन आवर के चार्ट पे हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस किया है मल्टीपल टाइम्स। इस एरिया को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं हम, सबसे पहले 69,993 का लेवल है ये। ये हमें दो लेवल्स मिल रहे हैं डाउन साइड के लिए। तो अब हमारे पास किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, अगर मार्केट ने 70,182 के लेवल को ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ तो हमें फर्स्ट टारगेट 69,993 मिलेगा, इसके बाद 69,732 का हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। और कल एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है जो कि दोनों इंडेक्स पे ज्यादा इम्पैक्ट डाले, लेकिन सुबह मॉर्निंग में चाइना का जरूर डाटा आ रहा है, तो उसके लिए आप कमोडिटी डाटा का जो वीडियो हमारे पास आता है, डाटा एनालिसिस का जो वीडियो हम आपको आपके लिए लेकर आते हैं, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर आपको कौन सी चीजों में ट्रेड देखने को मिल सकता है। जैसे क्रूड ऑयल का डाटा आ रहा है तो क्रूड में आपको एक एंट्री बन सकती है, साथ ही चाइना का भी डाटा आ रहा है तो उस टाइम पे आपको डॉलर में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड रहेगी कल की एनालिसिस, कल के जो ट्रेड्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम ज्यादा बेस्ड नहीं रहेंगे। रीजन उसका यही है कि कल ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको कल काफी हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। Good night.